नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे HP फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट। जल्द हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम में पहली बार 75 वन रक्षकों की सीधी भर्ती होगी। इसके लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, लेकिन भर्ती निगम नहीं वन विभाग करेगा। अभी तक निगम में या तो विभाग से वन रक्षक तैनात होते थे या फिर निचले कर्मियों को पदोन्नति देकर वन रक्षक बनाया जाता था। विभाग में भी होगी भर्ती। वन विभाग में भी वन रक्षकों की सरकार से 100 से अधिक पदों को भरा जाएगा और निगम और विभाग दोनों में यह प्रक्रिया साथ आरंभ होगी। अभी 200 से अधिक वन रक्षकों के पद रिक्त हैं। करीब 2500 पदों पर वन रक्षक सेवाएं दे रहे हैं। जमा दो इसकी शैक्षणिक योग्यता होगी और वन रक्षक बनने के लिए सरकार ने शैक्षणिक योग्यता जमा दो कक्षा पास रखी है। ग्राउंड टेस्ट केवल क्वालिफाई होता है, इसके बाद लिखित परीक्षा होती है। इसमें पास अभ्यर्थियों का मेरिट आधार पर चयन होता है। ऐसा पहली बार हुआ है। पहले निगम में सीधी भर्ती नहीं होती थी, भर्ती वन विभाग के माध्यम से होती थी। दोस्तों, इसमें खुली भर्ती होगी आपकी और प्लस टू इसकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। दोस्तों, इसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है इसको पोस्ट को भरने के लिए। जब भी पोस्ट को भरने के लिए जो नोटिफिकेशन आएगी उसकी वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पर बता देंगे। धन्यवाद।